हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपके पास क्लास 10th की मैथ्स की जो ये आदि शर्मा की बुक है हिंदी मीडियम में, उससे हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। हमने स्टार्ट कर दिया इस बुक से चैप्टर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 था हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, क्योंकि जो पीछे की एक्सरसाइज है वो हमारे पास डिलीटेड में है ना। तो 3.3 में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है, आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ पर आपको पता ही है कि एक्स और वाई का मान निकालना है, किसी भी एक विधि से आप निकाल सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो 0.5x है प्लस यहाँ पर है 0.7y इज इक्वल्स टू में 0.74। एक समीकरण तो आपको ये दे रखी है, दूसरी आपको दे रखी है 0.3x प्लस यहाँ पर है 0.5y इज इक्वल्स टू में यहाँ 0.5 है। तो देखो ये पॉइंट बोलो या दशमलव, बात एक ही है। इसको हटा के मैंने यहाँ 10 कर दिया, यहाँ से भी हटा के मैंने 10 कर दिया, यहाँ से हटाया तो 100 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इस समीकरण में भी मैंने सारे दशमलव हटा के नीचे 10 और 100 जो भी आया वो लिख लिया। इनका ऑलरेडी बेस सेम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस का 7y, यहाँ पर आ जाएगा 74 अपॉन में 100। इस 10 से ये कट गया, 10 ही बचा है यहाँ। इसको इधर ले आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 50x प्लस का 70y इज इक्वल्स टू में 74। ये बन गई मेरी एक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर भी बेस सेम किया 10, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 5y, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 5 अपॉन 10। 10 से 10 कट गया, तो बचा आपके पास 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू में 5 बचा। ये समीकरण 2 आ गई, क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 50 और 70 की फॉर्म है और यहाँ 3 और 5 है। आप चाहो तो इसमें पूरी समीकरण में पहले 10 से इंटू कर लो, तो ये हो जाएगी 30x प्लस का यहाँ आ जाएगा 50y और यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। इसको ले लो समीकरण 2। मैंने दोनों साइड 10 से इंटू कर दिया ताकि ये थोड़ा सेम सा हो जाए। अब गुणांक तो तब भी एक जैसे नहीं है, है ना, गुणांक एक जैसे करने पड़ेंगे ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो 50x प्लस का यहाँ पर है 70y इज इक्वल्स टू में 74, और यहाँ पर है मेरे पास 30x प्लस का यहाँ है 50y और इज इक्वल्स टू में मेरे पास 50। गुणांक किसी भी एक के एक जैसे कर लो आप तो आसानी रहेगी। अगर मैं x के करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 30 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, 50 से, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरे पास 150x प्लस 3 और 7 21 हो जाएगा, 20 ऐसी है। अच्छा यहाँ भी 20 आ जाएंगी, क्योंकि 35 जा 15 और 20 ऐसी आएंगी। अब पहले 3 को 74 से गुना कर देते हैं, तो 3 4 जा 12 21 22, तो 2220 आंसर। ऐसे इधर करो तो ये हो जाएगा 1500x प्लस 2500y बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2500, क्लियर। साइन चेंज कर दिए मैंने, ये तो आपस में कट गए। यहाँ आ जाएगा माइनस का 400y, और यहाँ 2500 में से आपको क्या करना है, 2220 को माइनस करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आएगा यहाँ पर, तो वो आपके पास आएगा 280 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है ना, तो 80 तो लास्ट में बचेगा ही बचेगा, तो आपके पास बचेगा 280, क्लियर। यहाँ से y का मान निकाल लो, तो 280 अपॉन में 400 आ जाएगा, पर ये माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस में आप इसे लगाना मत भूल जाना माइनस को। अब अगर ये कट हो रहे हैं तो कट कर लो, और अगर कट नहीं हो रहे तो छोड़ दो। जैसे ये कट हो रहे हैं, 7 अपॉन 10 माइनस का आ रहा है, 4 की टेबल से काट दिया, तो माइनस का 0.7 आ गया वाई का मान। आप ये भी यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी किसी भी एक समीकरण में रख दो, मैं इसमें रख देती हूँ, ये वाली आसान थी ना। तो 3x प्लस का 5y इज एक, अच्छा ये नहीं थी समीकरण 2, तो ये मानिए ना, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 मेरे पास है 30x प्लस का 50y इज इक्वल्स टू में 50 है, तो 30x मैंने ऐसे ही रहने दिया प्लस 50, y की जगह मैंने माइनस 7 अपॉन 10 लिख दिया है,
ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया तो 30x प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, 7 5 35 हो गया, ये 50 ऐसी है, 30x 50 प्लस का 35 यहाँ हो गया, तो 5 और 8 x कितना आ जाएगा 85 अपॉन में 30। कट हो रहे हैं तो कट कर दो, और अगर कट नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दो, पर ये दोनों मुझे दिख रहा है 5 के टेबल में आते हैं, ये 6 पे आता है, 5 1 5 3 है 17 अपॉन 6 आपका आंसर। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 1/7 × x प्लस 1/6 × y इज इक्वल्स टू 3, 1/2 × x माइनस 1/3 y इज इक्वल्स टू 5। आपको क्या करना है, अगेन x और y का मान निकालना है। पहले यहां लिख लेते हैं, तो 1/7 x प्लस 1/6 y इज इक्वल्स टू 3 और 1/2 x माइनस 1/3 y इज इक्वल्स टू 5 है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मान लिया कि माना जो 1/x है वो मेरा u है या a मान लो, और जो 1/y है वो b है। ठीक है, देखिए अगर आप इन्हें 1/x को a और 1/y को b मान रहे हो तो यहाँ 7 जो है वो नीचे है, अंश में नहीं है हर में है, तो ये मानोगे तो तब भी हल नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करो, इनको ऐसे ही हल कर लो। मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 ले लिया, समीकरण 2 में मैंने क्या किया 2 से गुना कर दिया। ठीक है, 2 से गुना मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो नीचे मेरे पास 6 बन जाएगा, मतलब 1/2 से गुना कर दूँ। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में 1/2 से गुना करने पर, तो 1/2 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल्स टू में 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 से ही किया है, दोनों जगह करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4x माइनस 1/6y और यहाँ हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसे 3 ले लो। अब समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, चलो इन्हें हल करते हैं, 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल्स टू 3 और 1/4x माइनस 1/6y इज इक्वल्स टू 5/2। ये तो देखो कट गया, बचा क्या, 1/7x प्लस 1/4x बराबर में 3 प्लस 5/2। हर एक जैसे कर लेते हैं इनके, ठीक है इनको, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 4 से गुना कर दिया तो 4/28x आ गया, यहाँ पर 7 से गुना कर दिया और यहाँ पर क्या किया 2 से गुना कर दिया तो 6/2 आ गया, ये 5/2 है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपके पास 11/28x, यहाँ पर हो जाएगा 11/2। यहाँ तक क्लियर हुआ, 11 से 11 कट गया, 1/28x बराबर में 1/2 आ गया। क्लियर, अब इस 1/2 को आप इससे चाहो तो ये कट कर सकते हो, 14 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/14x इज इक्वल्स टू में 1 बचा, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, तो इसको उधर ले जाओ, x कितना आ जाएगा 1/14 आ गया। किसी भी एक समीकरण में रख दो और उसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो x की जगह रखना है मुझे क्या 1/14, समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 थी मेरे पास 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल्स टू 3 थी, तो 1/7 x की जगह लिखना है मुझे 1/14 प्लस 1/6y ऐसी है इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अपॉन वाला कैसे करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये 7 × 1/14 है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो 7 के साथ ये गुना का है तो 7/14 हो गया ना, ये 1/2 लिख सकती हूँ, इसको इससे कट कर दिया मैंने,
प्लस वन अपॉन में सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, ये नीचे से ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो टू आ गया, प्लस वन अपॉन सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, वन अपॉन सिक्स वाई इज इक्वल्स टू वन आ गया, इस टू को इधर ले गई माइनस हो गया, तो वन इज इक्वल्स टू सिक्स वाई, वाई का मान कितना आ गया वन अपॉन सिक्स आ गया, एक्स का भी निकल गया वाई का भी, क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं तो आपको कराऊंगी ही कराऊंगी, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।